हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट्स के बारे में, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल है। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट शॉर्टकट से रिलेटेड है वो आप लोगों का क्लियर हो सके। तो सबसे जो पहला शॉर्टकट है वो है आपके पास कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट के सारे मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल ए जो है वो शॉर्टकट है सेलेक्ट ऑल का। कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आइए इसको जानने के लिए एमएस वर्ड पे चलते हैं। देखिए, एमएस वर्ड पे मैंने ऑलरेडी एक न्यू डॉक्यूमेंट रखा है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अभी मैं यहाँ पे इक्वल्स RAND ये फंक्शन यूज करता हूँ। इस फंक्शन के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। इससे होता क्या है कि जैसे ही आप ये फंक्शन यूज करके इंटर प्रेस करते हो, देखो ऑटोमेटिकली एक ये मैटर जो है वो खुद से डिजाइन हो जाता है। अगर आप दोबारा फिर से इसको यूज करते हो तो देखो, जैसे ही आप इक्वल्स रैंड आपने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, इंटर प्रेस किया, तो देखो ये अगेन सेम मैटर रिपीट कर दिया। अब आप ये चाहते हो कि जो भी मैटर आपके एक्टिव डॉक्यूमेंट में है वो सारा सेलेक्ट हो जाए, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ, ये देखिए पूरा मैटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई कंट्रोल ए से आप अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट के सारे मैटर को सेलेक्ट करते हो। सिमिलरली अभी देखो सेकेंड शॉर्टकट है कंट्रोल बी, जिसका इस्तेमाल सेलेक्टेड मैटर को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए भी होता है, साथ ही अनबोल्ड करने के लिए भी होता है। यहाँ पे दो केसेस हैं। देखिए, अगर आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट पहले से नॉर्मल है, बोल्ड नहीं है, तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा। जबकि अगर सेलेक्टेड मैटर जो कि पहले से बोल्ड है तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। कैसे, आइए इसको जानते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मैटर लिखे हुए हैं। चलो मैं यहां से ऐसे ये पूरा मैटर इतना सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड से आप जैसे ही कंट्रोल के साथ बी प्रेस करोगे, देखो ये आपका सेलेक्टेड मैटर जो है, चूंकि नॉर्मल था तो ये बोल्ड हो गया। देखो बाकी से ये थोड़ा सा बोल्ड है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये पर्टिकुलर वर्ड वर्ड जो है प्रोफेशनली आप चाहते हो कि इसको मैं अनबोल्ड कर दूं, चूंकि ये बोल्ड है ये सेलेक्टेड मैटर, तो अभी अगर आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करोगे तो देखो ये आपका अनबोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रोल बी से हम लोग एमएस वर्ड में बोल्ड भी करते हैं और साथ ही साथ अनबोल्ड भी करते हैं। थर्ड शॉर्टकट आपके पास है कंट्रोल सी, जिससे सेलेक्टेड मैटर कॉपी होता है, जो कि चला जाता है एमएस ऑफिस के क्लिप बोर्ड में, जहां से आप उसको चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं एक या एक से अधिक बार। कैसे आपको कॉपी करना है, तो ये देखो आपको जो भी मैटर कॉपी करना है आप उसको पहले यहां से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब ये जो मैटर है ना, ये ऑफिस के क्लिपबोर्ड में चला गया, जहां पे टोटल 21 आइटम्स रह सकते हैं। ये भी पहला आइटम है। चलो मैं यहां पेस्ट करके दिखाता हूं। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ भी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखो ये पेस्ट हो गया, एक टाइम मैंने पेस्ट किया। अगर मैं दोबारा कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूं, देखो फिर से मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ भी, तो देखो ये सारा मैटर जो है, ये जो भी कॉपीड मैटर था वो पेस्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल सी से आप लोगों ने सीखा कि कैसे सेलेक्टेड मैटर को आप कॉपी करते हैं, वो कैसे ऑफिस क्लिपबोर्ड में जाता है ताकि वहां से फिर हम लोग उसको पेस्ट कर सके। चौथा शॉर्टकट है कंट्रोल डी, जिससे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहां से आप फॉन्ट से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स को सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं कैसे कंट्रोल डी का यूज करना है। अभी मुझे लगता है कि ये इतना जो मैटर है इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, देखो आपके सामने यहां पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चला आया है। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं कीबोर्ड इधर कर रहा हूं। अभी देखो ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, यहां से आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो सेलेक्टेड टेक्स्ट को, आप यहां से फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, आप यहां से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, एंड सो ऑन। जैसे ही आप ओके करोगे, देखो यहां पे ये सारा चीज अप्लीकेबल हो गया सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। तो यहां से आप और भी काम कर सकते हो, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारा जो है ना, ये आपके पास ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है, जिसके बारे में शॉर्टकट में फिर से बताऊंगा आप लोगों को अभी आने वाले समय में। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। अभी देखिए आपके सामने अब अगला जो शॉर्टकट है
वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर लाइन होता है। अगर वो एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट करो, सिंगल पैराग्राफ है तो आप सेलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ है तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं देखो आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज मैंने लिखा साइबोटेक, तो ये जो मैटर है ना ये लेफ्ट अलाइंड है, देखो ये बिल्कुल पेज के लेफ्ट में आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई प्रेस करता हूं, देखो ये पन्ने पन्ना के बिल्कुल बीच में आ गया, मतलब कि ये सेंटर अलाइन हो गया है। अगर मैं यहां पे सपोज इक्वल्स रैंड फंक्शन यूज करता हूं, ओके, और रैंड फंक्शन यूज करके मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो अभी जो आपका ये मैटर है ना ये मल्टीपल पैराग्राफ्स है, देखो यहां से लेके ये सिंगल पैराग्राफ है। अगर आप चाहते हो कि ये सिंगल पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज हो, तो आप अगर इसको सेलेक्ट करके एक सिंगल पैराग्राफ को कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हो तो देखो ये सेंटर अलाइन हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिंगल पैराग्राफ के केस में आप सेलेक्ट नहीं भी करोगे, पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी कर्सर को रख के कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस करोगे तो देखो उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट से सेंटर हो गया। लेकिन अगर मल्टीपल पैराग्राफ से, जैसे देखो ये एक पैराग्राफ है और मैं चाहता हूं कि इसके बाद वाले पैराग्राफ को भी मैं सेलेक्ट करूं, उसके बाद वाले को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मैंने तीन पैराग्राफ सेलेक्ट किया क्योंकि तीनों का अलाइनमेंट चेंज करना है, कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया, देखो तीनों का अलाइनमेंट सेंटर हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर सिंगल पैराग्राफ है तो आप सेलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स है तो फिर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कैसे कंट्रोल ई से आप सेंटर अलाइन कर सकते हो एक्टिव डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। अभी अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एफ, जिससे आप अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड कर सकते हो, मतलब कि ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो। कैसे, देखो ये आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने बहुत सारा चीज लिख के रखा है, आप चाहते हो कि यहां पे TO2 टू वर्ड कितनी दफा कहां कहां पे आया है, तो आपको कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहां पे TO2 लिख करके सर्च बटन पे क्लिक करना है। देखो यहां पे जहां जहां पे भी टू आया है, मैं इसे क्लोज कर देता हूं, अभी देखो जहां जहां पे भी टू आया है ना वो सारा टू आपको दिख रहा है, देखो जहां जहां पे भी टू आया है, ओके। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट में कि कहां कहां पे कोई जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है वो कहां कहां पे अवेलेबल है, ओके। अभी आपके पास अगला शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से आप गो टू का इस्तेमाल कर सकते हो। गो टू का इस्तेमाल जो है ना वो किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए होता है, कैसे हम लोग देखते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर बुक मार्क पे भी जाने के लिए हो सकता है। देखो यहां पे ये मेरे पास एक्टिव डॉक्यूमेंट में कुछ मैटर पड़े हुए हैं, अभी जो कर्सर है देखो वो पहले लाइन पे है, ओके। मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ जी, जैसे ही मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया देखो आपके सामने यहां पे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां से आप चाहते हो कि लाइन नंबर 7 पे मैं जाऊं, तो मैंने यहां लाइन नंबर में 7 लिखा, सिर्फ 7 लिखा, गो टू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं देखो ये कर्सर लाइन नंबर 7 पे पहुंच चुका है, क्लोज करके आप देखो ये लाइन नंबर 7 पे है। ऊपर से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अभी मैं चाहता हूं कि यहां से 5 लाइन में पीछे जाऊं, तो कंट्रोल के साथ अगेन मैं जी प्रेस करता हूं, लाइन 5 लाइन पीछे जाना है तो -5 लिखना होगा, माइनस माइनस मीन्स पीछे बैकवर्ड, जैसे ही आप गो टू करोगे तो 7वें लाइन से 5 लाइन पीछे चला गया, मतलब कि दूसरे लाइन पे आ गया, ओके। अभी आप चाहते हो कि कंट्रोल, अभी यहां से मैं 3 लाइन आगे जाऊं, तो अगेन आपको कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है, मैंने गलती से एफ प्रेस कर दिया है, चलो यहां से मैं इसे क्लोज करता हूं और यहां कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है। जैसे ही आपने किया देखो ये गो टू का डायलॉग बॉक्स यहां पे आ चुका है। यहां पे आपको चूंकि 3 लाइन आगे जाना है या जितने भी लाइन आगे जाना है, आप +3 या +5 जितने लाइन आगे जाना है प्लस में आप लिख दो और गो टू पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऐसा करोगे देखो ये मैटर जो कर्सर है वो आपका दूसरे से 3 लाइन आगे 5वें पर आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे कंट्रोल जी का इस्तेमाल हम लोग किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए करते हैं। लेकिन सपोज आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है
तो आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करो कीबोर्ड से और यहाँ पेज चुन लो, और मान लो आपको जाना है पेज नंबर टू पे, तो यहाँ पे टू प्रेस करो और गो टू पे क्लिक करो, आप पेज नंबर टू पे आ गए। वन पे आना है या माइनस वन करोगे, एक पेज पीछे आ जाओगे। जैसे लाइन पे आप लोगों ने किया वैसे आप पेज पे कर सकते हो, बुकमार्क पे भी आप कर सकते हो, जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। अभी देखो अगला शॉर्टकट आपके पास है कंट्रोल एच, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस होता है। मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां पे लुक वर्ड आया है मैं वहां वहां पे वॉच यूज करना चाहता हूं, वॉच लिखना चाहता हूं। तो वन बाय वन अगर आप लुक को वॉच में कन्वर्ट करोगे टाइप करके तो बहुत वक्त लगेगा। आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से एच प्रेस करना है। जैसे ही आप एच प्रेस करोगे देखो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो भाई मुझे लुक को चेंज करना है। ओके, रिप्लेस विथ किससे चेंज करना है, तो वॉच से चेंज करना है। अभी देखो यहां पे अगर आप रिप्लेस रिप्लेस करोगे ना तो वन बाय वन रिप्लेस होगा, और अगर आप चाहते हो कि नहीं एक बार रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो। मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, जितने जगह पे भी लुक था वो सब वॉच हो गया। अगेन चलो मैं यहां से कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, मैं चाहता हूं कि जितना भी वॉच है वो लुक हो जाए। वन बाय वन रिप्लेस, देखो ये पूछ रहा है इसको रिप्लेस करना है, बिल्कुल कर दो। अब देखो एक ही वॉच था जो लुक में कन्वर्ट हुआ। अदरवाइज अगर आप वैसे वर्ड्स वर्ड को रिप्लेस करोगे जो मल्टीपल टाइम्स आपके पास है यहाँ पे एक्टिव डॉक्यूमेंट में, तो मल्टीपल टाइम ये पूछेगा। जैसे मल्टीपल टाइम क्या है भाई, ए ए मल्टीपल टाइम लगता है। चलो मैं एक जगह एन यूज करना चाहता हूँ वन बाय वन, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूँ, ए को कन्वर्ट कर दो रिप्लेस कर दो एन से। अब देखो वन बाय वन रिप्लेस मैं कर रहा हूँ रिप्लेस, ये देखो पहला ए मिला यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दूसरा ए यहाँ मिल रहा है मुझे नहीं करना है फाइंड नेक्स्ट करो, तीसरा ए यहाँ मिला चलो इसको भी नहीं करना है फाइंड नेक्स्ट करो, इसको कर देना है रिप्लेस करो। तो इस तरह से आप वन बाय वन रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो एट ए टाइम देखो ये बता रहा है कि 74 रिप्लेसमेंट्स इसने किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप वन बाय वन रिप्लेसमेंट कर सकते हो या ऑल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एच। अभी अगला शॉर्टकट है कंट्रोल आई, जिससे आप दो काम कर सकते हो। अगर आपका मैटर नॉर्मल है तो आप उसको इटैलिक कर सकते हो, मतलब अगर इटैलिक नहीं है तो आप इटैलिक कर सकते हो, और अगर सेलेक्टेड मैटर इटैलिक है तो आप उसको अन इटैलिक भी कर सकते हो। कैसे, आयो आओ सीखते हैं। देखो यहाँ पे सपोज ये मैंने ये वर्ड यहाँ से मैंने कुछ वर्ड सेलेक्ट किया चेक ऑनलाइन वीडियो, अभी कीबोर्ड से मैं कंट्रोल के साथ अगर आई प्रेस करूंगा ना तो ये इटैलिक हो जाएगा, आप देखना, चूंकि ये मैटर अभी इटैलिक नहीं है। देखो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूं, देखो ये हल्का सा तिरछा हो गया इटैलिक हो गया। अभी मैं चाहता हूं कि नहीं ऑनलाइन से जो है इटैलिक एट्रीब्यूट हट जाए, तो ऑनलाइन को मैंने सेलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी इटैलिक है, कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल के साथ आई प्रेस किया, देखो ये नॉर्मल हो गया, मतलब इससे इटैलिक एट्रीब्यूट हट गया। तो ये काम था आपका कंट्रोल आई मतलब कि इटैलिक का। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल जे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कंट्रोल जे। देखो इस ये जो है जस्टिफाई का शॉर्टकट है, ये करता क्या है, अभी आप ध्यान से देखो आपका जो मैटर है ये इसका लेफ्ट जो पोर्शन है ना वो तो एक सीध में है, लेकिन ये देखो राइट पार्ट जो है ना वो कुछ बहुत पीछे है कुछ आगे है ऐसा है। तो आप चाहते हो कि ये इतने का ही सिर्फ ये जो एक पैराग्राफ है ना ये इसका दोनों साइड इक्वल हो जाए, लेफ्ट तो इक्वल है ये राइट भी इक्वल हो जाए। तो देखो सिंगल पैराग्राफ का केस है, आप चाहो तो सेलेक्ट भी कर सकते हो कंट्रोल जे, देखो दोनों साइड इक्वल हो गया। यहां पे मैंने सेलेक्ट करके ऐसा काम किया, अभी देखो फिर से मैंने वापस जैसा था वैसा ले आया, चूंकि ये एक सिंगल पैराग्राफ है तो सिंगल पैराग्राफ के केस में अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हो आप देखो कंट्रोल के साथ जे प्रेस करते हो तो भी दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब कि जस्टिफाइड हो गया है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो उस केस में आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स को जिसको जिसको भी जस्टिफाई करना है आपको उन सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेना होगा और तब कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना होगा। जो भी सेलेक्टेड पैराग्राफ होगा उसका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब वो जस्टिफाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो भी चुका है ये देखो, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप कंट्रोल जे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर,
कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। ये क्या चीज है देखो समझाता हूं मैं। यहां पे मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसको मैंने सेलेक्ट किया वीडियो, इस पे जब मैं क्लिक करूं तो कोई एक फाइल खुले या कोई एक वेबसाइट खुले, तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। जैसे ही आप के प्रेस करोगे देखो इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स चला आया। अभी आप चाहते हो कि ये कनेक्ट हो जाए एक कोई पर्टिकुलर फाइल से, ठीक है। चलो एक पर्टिकुलर फाइल मैं ले लेता हूं, यहां से कोई भी एक फाइल है, और यहां से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। अभी देखो इसका कलर ब्लू हो गया है। आप जैसे इस पे माउस का पॉइंटर ले जा रहे हो ना, तो ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। चलो कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहां क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो ये एक सेकेंड डॉक्यूमेंट को खोलने का परमिशन मांग रहा है, यस करता हूं मैं। ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इसने खोल दिया, ओके। ये देखो ये आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है जो मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा था, इसे मैं बंद कर दे रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि ये मैं सेलेक्ट किया मैंने, अभी कंट्रोल के साथ मैं फिर से के प्रेस करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूं तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट खुले। चलो यहां से रिमूव लिंक पहले मैं कर लेता हूं, ताकि ये लिंक जो पहले से एस्टैब्लिश किया था मैंने वो हट गया। अभी कंट्रोल के साथ के प्रेस करता हूं और मैं यहां से सपोज www.cybotech.in ये वेबसाइट मैं यहां से कनेक्ट कर लेता हूं। इसका एड्रेस मैंने यहां लिखा और ओके कर दिया। अभी देखो कंट्रोल के साथ आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्राउजर में खोल देगा। देखो वो पर्टिकुलर वेबसाइट देखो साइबोटेक कैंपस नवादा, ये यहां की वेबसाइट है जो खुल रही है। नेट चूंकि कनेक्टेड है देखो ये सारा चीज यहां पे अवेलेबल हो गया, ये खुल गया। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। वापस अगर आपको हाइपरलिंक हटाना है तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और फिर से आप कंट्रोल के साथ के प्रेस करो और देखो यहाँ रिमूव लिंक का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दो, ये हाइपरलिंक आपका खत्म हो गया। अभी अगला जो शॉर्टकट है आपके पास वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है ना एमएस वर्ड में वो लेफ्ट अलाइन ही होता है, लेकिन सपोज कि मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन कर दिया था। अभी देखो ये सेंटर अलाइन है, सिंगल पैराग्राफ है इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने अभी बताया था कंट्रोल ई के केस में, वही चीज आपको यहां पे भी अवेलेबल है कंट्रोल एल के केस में भी। अभी मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट अलाइन हो जाए, आप चाहो तो इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, या आप चाहो तो चूंकि सिंगल पैराग्राफ है तो आप इसके अंदर ऐसे ही कर्सर को रख दो और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप जैसे ही एल प्रेस करोगे देखो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, मतलब कि पेज के लेफ्ट तरफ ये चला आया है, ठीक है। कैसे मैंने किया, अगर आप चाहो तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। देखो इसको आप सेलेक्ट कर लो कंट्रोल ई, देखो सेंटर अलाइन हो गया। अभी सेलेक्ट करके आप यहां से वापस कंट्रोल एल कर दो, देखो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। लेकिन फिर मैं फिर से कह रहा हूं कि सिंगल पैराग्राफ के केस में सिलेक्शन नेसेसरी नहीं होता है, ओके। अभी देखो आपके सामने जो अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है ना वो इंक्रीज करता है पेज के लेफ्ट से इंडेंटेशन को। कैसे, देखो अभी अगर अभी आप टाइप कर रहे हो तो देखो ये बिल्कुल लेफ्ट से आ रहा है ना, लेकिन आप चाहते हो कि अगले लाइन में, देखना बहुत ध्यान से, अगले लाइन में आप चाहते हो कि ये इंडेंटेशन आगे जाए। देखना अभी इंडेंटेशन यहां पे है, आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हो कीबोर्ड से, देखो इंडेंटेशन आगे चला गया। अगर आप दोबारा फिर से प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ एम, थोड़ा और आगे चला गया। अब आप लिखो वहां से, है ना, तो ये देखो मार्क भी है ये इंडेंटेशन को बढ़ाने का। अभी आप कंट्रोल एम करो, देखो अगेन ये थोड़ा और आगे चला जाता है कंट्रोल एम से। इस तरह से आप इंडेंटेशन को कंट्रोल एम से इंक्रीज कर सकते हो, ओके। अभी देखो आपके सामने जो अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया फाइल खुलता है। देखो कैसे, अभी मैं जो काम कर रहा हूं इस डॉक्यूमेंट का देखो नाम है डॉक्यूमेंट 3। मैं यहां कंट्रोल के साथ जैसे ही एन प्रेस करता हूं देखो एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया, देखो इसका नाम है डॉक्यूमेंट 4, एक्चुअली टाइटल है डॉक्यूमेंट 4, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। चलो बढ़ते अपने अगले शॉर्टकट के ऊपर। जो अपना अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ ओ।
कंट्रोल ओ से ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है, जहां से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हो, चाहे वो आपके सिस्टम के किसी भी ड्राइव में हो। ठीक है, कैसे भाई? तो देखो, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया ओ। जैसे ही कंट्रोल ओ मैंने प्रेस किया, देखो आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी यहां पे रिसेंटली ओपन्ड फाइल्स आपके सामने है। आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी दूसरे ड्राइव से कोई फाइल खोलूं, तो यहां पे आप ब्राउज में जाओ। ब्राउज में जैसे ही जाओगे, देखो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। चलो ई ड्राइव में मैं जाता हूं। ई ड्राइव में कुछ फाइल्स रखे हुए हैं अगर, या एफ में, जहां पे भी हो आप वहां से उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट कर लो। लेकिन याद रहे, वो फाइल एमएस वर्ड का ही होना चाहिए। और यहां से ओपन पे आपने जैसे ही सेलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक करोगे, देखो वो फाइल आपका सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करके एक्टिव डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल पी। देखो, कंट्रोल पी से आप प्रिंट का काम करोगे। जैसे यहां पे आपने मैटर डिजाइन कर लिया, चलो ये मैं अगेन रैंड फंक्शन का यूज करके कुछ मैटर जल्दी से लिख लेता हूं। अभी ये मैटर आपका है, आप चाहते हो इसको प्रिंट करना, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करोगे, तो देखो आपके सामने प्रिंट का ये ऑप्शन आ गया। अभी यहां से आपको कितना कॉपी निकालना है, सपोज मैं चाहता हूं एक्टिव डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी मैं निकाल दूं। कौन सा प्रिंटर आपके पास अटैच्ड है, इंस्टॉल्ड है, आप उसको सेलेक्ट कर लो। ऑल पेजेस निकालना है या कोई सेलेक्टेड पेज, करंट पेज निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चलो ऑल पेजेस निकालना है, उसके बाद यहां पे देखो साइज कौन सा होगा पेपर का जिसपे प्रिंट आउट लेना है, भाई A4 साइज होगा। और उसके बाद देखो यहां से ये आपके सामने यहाँ पे ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, जो आप यहाँ से देखिए। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंटर अगर आपका ऑन होगा, उसमें पेज फीडेड होगा, तो ये जो यहाँ पे मैटर दिख रहा है ना, ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल पी का इस्तेमाल करके आप लोग बहुत आसानी से अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट के मैटर को प्रिंट कर सकते हो। ओके, अभी अगला शॉर्टकट आपके पास है कंट्रोल आर, राइट अलाइन के लिए। देखो, मैंने ऑलरेडी पहले से 2 अलाइनमेंट बताया है, एक है कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए, एक है कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन के लिए, कंट्रोल जे भी मैंने बताया, 3 अलाइनमेंट मैंने बता दिया है, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए। लेफ्ट अलाइन में जो आपका पैराग्राफ था उसका लेफ्ट पोर्शन इक्वल आता था, राइट में देखो अभी देखोगे राइट वाला पोर्शन जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट वाला अनइक्वल हो जाएगा। कैसे? देखो ये आपका मैटर है। चलो इस पर्टिकुलर सिंगल पैराग्राफ का अलाइनमेंट मुझे चेंज करना है, चूंकि ये सिंगल पैराग्राफ है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं भी करूं चलेगा। अभी मैं यहां कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से मैंने आर प्रेस किया। जैसे ही मैंने आर प्रेस किया, देखो ये राइट अलाइन हो गया, पेज के दाहिने तरफ खिसक गया। अब लेफ्ट साइड इक्वल है, लेकिन फिर क्या हुआ, आपका ये जो है राइट साइड इक्वल होने की वजह से लेफ्ट साइड अनइक्वल हो गया। अभी आप कंट्रोल एल करोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट साइड अनइक्वल हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल ई करते हो तो सेंटर इक्वल हो जाएगा, जिसके वजह से लेफ्ट और राइट दोनों अनइक्वल हो जाएगा। सबसे अच्छा है कंट्रोल के साथ जे जस्टिफाइड, जिसमें दोनों साइड इक्वल होगा। सिंगल पैराग्राफ के केस में आपको सेलेक्ट नहीं करना है, चलो मल्टीपल पैराग्राफ्स के केस में आप चाहो तो क्या, मतलब मल्टीपल पैराग्राफ के केस में आपको सेलेक्ट करना ही होगा। कंट्रोल के साथ आप जे प्रेस करो, देखो दोनों साइड इक्वल हो गया इन सेलेक्टेड पैराग्राफ्स के लिए। उसके बाद के पैराग्राफ्स के लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब मैं इस ऑप्शन इस शॉर्टकट को यूज कर रहा था तो मैंने 3 ही पैराग्राफ सेलेक्ट किया था। अभी अगला जो शॉर्टकट है आपके पास वो है कंट्रोल एस। आप इससे अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। देखो ये एक्टिव डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, चलो कंट्रोल के साथ मैं एस प्रेस करता हूं कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने ऐसा किया, देखो ये पूछ रहा है कि सेव कहां करना है, तो ऐसे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव होते हैं, चलो मैं डॉक्यूमेंट्स में ही रख लेता हूं। डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे मैंने ABC ऐसा कोई एक फाइल का नाम देके और यहां सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ABC जो है वो आपके फाइल का प्राइमरी नेम हो गया, और चूंकि मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूं तो एक्सटेंशन नेम हो गया DOCX। इस तरह से आपने फाइल को सेव कर दिया। अब एक दफा फाइल का नाम आपने दे दिया है, अगर आप कुछ भी इसमें एडिटिंग करते हो और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हो, तो ये डायलॉग बॉक्स नहीं देगा,
बल्कि ऑटोमेटिकली उसी फाइल में ये मैटर अपडेट हो जाएगा, जो मैटर यहाँ पे मैंने लिखा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला मैटर, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी इसी ढंग से चलो अगले शॉर्टकट के ऊपर बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टी, जिससे आप टैब स्टॉप पोजिशन को इनक्रीज कर सकते हो। देखो कैसे, देखना बहुत ध्यान से। मैं एग्जिस्टिंग मैटर को मैंने मिटा दिया। अभी आप देखो तो यहाँ पे देखना, ये देखो रूलर है। अभी आप टैब प्रेस करते हो तो 0.5 इंच आगे आप आते हो लेफ्ट से। बाय डिफॉल्ट जो टैब स्टॉप पोजीशन होता है ना, वो 0.5 इंच ही होता है। आप चाहते हो कि मैं सीधा एक बार यहाँ से 3 इंच पे आ जाऊँ शॉर्टकट से, लेकिन आपको ये काम करना है तो आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से टी दबाओ। देखो टैब स्टॉप पोजीशन 0.5 इंच पे लग गया। अगेन आप कंट्रोल के साथ टी दबाओ, देखो वो 1 इंच पर आ गया। इस तरह से कंट्रोल टी का यूज करके आप चले जाओ 3 इंच पे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन देखो 3 इंच पे पहुंच गए। अभी क्या है, बायोडाटा वगैरह बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने नेम लिखा, एक बार मैं टैब दबाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 3 इंच पे। चलो यहाँ पे कोई भी नाम मैंने लिख दिया, इसी ढंग से फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम मैंने लिख दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कंट्रोल टी का इस्तेमाल कर सकते हो टैब स्टॉप पोजीशन को इनक्रीज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से भी दो काम होता है, पहला काम है अंडरलाइन और दूसरा काम है डी अंडरलाइन करने का। अगर आपका सेलेक्टेड मैटर पहले से अंडरलाइन नहीं है तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा, और अगर सेलेक्टेड मैटर अंडरलाइन है तो वो डी अंडरलाइन हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे चलो मैंने फिर से कुछ मैटर टाइप कर लिया, ये आपका मैटर है। मैंने फिर से रैंड फंक्शन यूज किया। अभी आप चाहते हो कि आपके सामने देखो ये सारा जो मैटर है, आप ये चाहते हो कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इतना जो मैंने सेलेक्ट किया ये अंडरलाइन हो जाए। पहले से ये अंडरलाइन तो है नहीं, तो कंट्रोल के साथ आपको कीबोर्ड से यू प्रेस करना है। देखो ये आपका अंडरलाइन हो गया। अभी आप चाहते हो कि चलो ये जो इन द, ये डी अंडरलाइन हो जाए, मतलब अंडरलाइन खत्म हो जाए। तो चूंकि ये पहले से अंडरलाइन है तो आप फिर से कंट्रोल के साथ यू प्रेस करो, देखो ये डी अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से कंट्रोल यू से आप बहुत आसानी से सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो प्लस डी अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल भी। मैंने अभी बताया था, जब कॉपी में मैं बता रहा था कि कोई भी चीज जब आप कॉपी करते हो तो वो ऑफिस क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जहां से आप पेस्ट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं ये पर्टिकुलर टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने सी प्रेस किया, ये हो गया कॉपी। अभी मैं इसे चाहता हूँ पेस्ट करना, तो जहां पे पेस्ट करना है वहां पे आप कर्सर को रख दो और कंट्रोल के साथ भी प्रेस करो। देखो ये आपका मैटर पेस्ट हो गया। आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स भी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कंट्रोल भी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो एक बार कॉपी किए गए मैटर को आप चाहो तो एन टाइम्स पेस्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। ओके अभी चलो बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट के ऊपर। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से आप अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। जैसे देखो ये आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट है। अभी दो चीज है, अगर ये फाइल ऑलरेडी सेव होगा तो ये फिर नहीं पूछेगा आपसे सेव करना, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी चेंजेस किया होगा, आप कंट्रोल के साथ जैसे ही डब्ल्यू प्रेस करोगे, देखो अब ये पूछ रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस है जो आपने सेव नहीं किया है, सेव करना है, तो हाँ बिल्कुल सेव पे क्लिक कर दो अगर आपको सेव करना है तो, अगर नहीं करना था तो फिर आप नो करके निकल जाते। ओके चलो मैं फिर से नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं। ये आप लोगों ने सीखा कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल को क्लोज करना। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, जिससे आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे ये जो हेल्प लिखा हुआ है मैं इसे यहां से हटाऊं, तो हेल्प को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ मैंने एक्स प्रेस किया कीबोर्ड से। देखो यहां से वो जो हेल्प वर्ड था वो क्या हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद भी ये चला गया होगा कहां भाई, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। अब आप जहां चाहो कंट्रोल भी से इसको पेस्ट कर सकते हो, वन टाइम भी या मोर देन वन टाइम्स भी। ओके जिस तरह से कॉपी के बाद पेस्ट किया गया उसी तरह से आप कट के बाद भी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने से मैटर जहां से आपने कॉपी किया वहां से हटता नहीं है, जबकि कट पेस्ट करने से जहां से आपने मैटर कॉपी किया है कट किया है वहां से वो हट जाता है, और जहां फिर आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पेस्ट कर सकते हो। अभी अगला शॉर्टकट आपके पास है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का दो काम है, पहला है रिपीट। देखो ध्यान से रिपीट क्या है भाई, जैसे मैं लिखता हूं साइबोटेक, साइबोटेक कैंपस नवादा,
चलो मैंने ऐसा लिखा, इंटरप्रेस किया। अभी लास्ट काम मैंने यही किया है साइबोटेक कैंपस नवादा लिखने का, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं वाई प्रेस करूंगा तो ये चीज आपका रिपीट होगा। कैसे देखो, कंट्रोल के साथ वाई, अभी मैं दिखाता हूं, यहां मैंने लिखा साइबोटेक, कंट्रोल वाई, देखो रिपीट हो रहा है ना, सेम चीज, ये आपका रिपीट का काम हो गया। लेकिन अभी देखो ध्यान से, कंट्रोल वाई से रीडू भी होता है, लेकिन उससे उसके लिए आपको अंडू करना पड़ता है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने डिलीट बटन का इस्तेमाल किया ताकि ये जो मैटर है ना, ये क्या हो जाए, ये डिलीट हो जाए। तो चलो डिलीट बटन पे मैंने क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, कीबोर्ड से मैंने डिलीट बटन प्रेस किया। अभी मैं चाहता हूं कि ये डिलीटेड मैटर वापस आए, तो अंडू का शॉर्टकट है जो मैं आगे बताऊंगा, कंट्रोल के साथ जेड। देखो कंट्रोल जेड से वो डिलीटेड मैटर वापस आ गया, लेकिन वापस जब आया तो आपको लगा कि नहीं, अभी अंडू का इफेक्ट खत्म करना है, तो आप कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करो, देखो ये रीडू कर देगा। तो रीडू जब भी होगा तो अंडू करने के बाद होगा, नहीं तो कंट्रोल वाई से रिपीट होगा। जैसे मैं अभी लिखता हूं नवादा, ओके इंटर, और अभी मैं अंडू तो मैंने किया नहीं, अभी 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 तो मैंने नवादा लिखा है, तो कंट्रोल वाई मैं प्रेस करूंगा, तो देखो जो मैंने इंटर प्रेस किया था तो इंटर का काम वहां पे हो रहा है, देखो है ना, वही एक एक इंटर ले ले रहा है। तो अंडू तब होगा, रीडू तब होगा कंट्रोल वाई से जब आप अंडू करोगे, अदरवाइज कंट्रोल वाई से रिपीट ही होगा। तो ये दो केसेस थे कंट्रोल वाई के लिए। अभी देखो कंट्रोल जेड अंडू, मैंने अभी भी बताया कि आप यहां से ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने डिलीट किया, आप चाहते हो ये वापस आ जाए कंट्रोल के साथ आप जेड प्रेस कर दो, आप चाहते हो कि नहीं नहीं ऐसा है कि ये वापस चला जाए कंट्रोल के साथ आप वाई प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये अंडू का काम हो गया। अभी चलो अगले शॉर्टकट के ऊपर बढ़ते हैं। देखो कंट्रोल अल्ट वन से आप हेडिंग वन बना सकते हो। ये क्या चीज है भाई, जैसे कोई आपको किसी टॉपिक पे लिखना है, आप चाहते हो कि मैं लिखूं एमएस वर्ड पे ही मैं कुछ लिखूं, तो एमएस वर्ड आपने लिखा, अभी आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ वन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट वन प्रेस करोगे, देखो ये हेडिंग वन में चेंज हो गया। सिमिलरली अभी देखो यहां पे आपके सामने हेडिंग वन से क्या आप करोगे, आप हेडिंग वन से टॉपिक का नाम लिखोगे। अभी मान लो इसके अंदर कोई सब टॉपिक है, यहां पे एमएस वर्ड में आप सपोज होम टैब बताना चाहते हो, तो होम टैब एमएस ये हेडिंग वन है, ओके दिस इज हेडिंग वन, मैं यहां पे ऐसे ही लिख देता हूं कि ये एच वन है, ओके। अभी होम टैब जो है ना, होम टैब एमएस वर्ड के अंदर का पार्ट है, तो इसको हेडिंग टू बनाना होगा। हेडिंग टू के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल अल्ट टू। कंट्रोल अल्ट टू से क्या होता है, हेडिंग टू होता है। तो आप होम टैब वाले लाइन में कर्सर को रखो और कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ आप टू प्रेस करो कीबोर्ड से, तो देखो ये होम टैब जो है ना, ये आपका क्या बन गया, ये आपका हेडिंग टू बन गया। अभी सपोज होम टैब में आपको बोल्ड के बारे में बताना है, तो होम टैब के अंदर बोल्ड है, ये हेडिंग थ्री से होगा। हेडिंग थ्री का शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट थ्री। अभी देखो बोल्ड वाले सेक्शन में रखो और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ आप जैसे ही थ्री प्रेस करोगे, देखो ये हेडिंग थ्री हो गया। तो इस तरह से ये हमेशा याद रखना एक चीज कि हेडिंग वन के अंदर हेडिंग टू आएगा और हेडिंग टू के अंदर हेडिंग थ्री आएगा, ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका। अभी देखो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन से नॉर्मल एट्रीब्यूट अप्लाई होता है। एक्चुअली ये जो हेडिंग वन हेडिंग टू या हेडिंग थ्री है ना, या फिर नॉर्मल, ये एक्चुअली स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है। आप चाहते हो कि ये तीनों लाइन, ये हेडिंग वन, ये हेडिंग टू, ये हेडिंग थ्री वापस से नॉर्मल हो जाए, वन बाय वन भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं एक ही बार में हो जाए, तो चलो इस इन तीनों मैटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन प्रेस करता हूं, देखो ये वापस से नॉर्मल हो गया है ना, देखो। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो। मैंने बताया कंट्रोल अल्ट वन हेडिंग वन के लिए, कंट्रोल अल्ट टू हेडिंग टू के लिए, कंट्रोल अल्ट थ्री हेडिंग थ्री के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड नॉर्मल के लिए। चलो अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल वन सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। देखना ध्यान से, मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं डिलीट करके अगेन मैं रैंड फंक्शन यूज करके ये मैटर मैंने लिख दिया। अभी देखो ध्यान से, ये जो आपका मैटर लिखा हुआ है ना, ये सिंगल लाइन स्पेसिंग में है। मैं ये चाहता हूं कि ये सारा मैटर
डबल लाइन स्पेसिंग में हो जाए। देखो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, पहले डबल लाइन स्पेसिंग मैं बता देता हूं, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल टू है, कंट्रोल टू से डबल लाइन स्पेसिंग होता है। तो देखो यहां से मैंने, चलो कंट्रोल के साथ मैंने ए प्रेस किया, ये सारा मैटर देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट हो गया है। अभी मैं कंट्रोल टू प्रेस करता हूँ, देखो डबल लाइन स्पेसिंग है, लाइन बीच में गैप बढ़ गया। अगर फिर से मैं चाहता हूँ कि भाई इसको सिंगल लाइन स्पेसिंग किया जाए, कंट्रोल ए, मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ वन प्रेस करता हूँ, देखो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया। तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल वन से सिंगल लाइन स्पेसिंग करना होता है। कैसे करना है भाई, तो आपको मैटर सेलेक्ट कर लेना है, जितना का लाइन स्पेसिंग आपको बढ़ाना है, ठीक है, और सिंगल स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग करना है, और आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है, देखो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया, ठीक है। इसी ढंग से देखो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए आपके पास कंट्रोल टू है, मैटर अगेन वैसे ही सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से टू प्रेस करना है, देखो ये डबल लाइन स्पेसिंग हो गया। आप चाहते हो कि ना सिंगल हो ना डबल हो, तो देखो आपके पास कंट्रोल फाइव है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए, ये देखो डबल है और ये देखो सिंगल है, फर्क समझ में आ जाएगा लुक देख के। मैं चाहता हूं कि ये ना सिंगल रहे ना डबल रहे, बीच में 1.5 हो जाए, तो देखो कंट्रोल के साथ आपको 5 प्रेस करना है। ये देखो जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ 5 प्रेस किया, ये सिंगल से थोड़ा अधिक और डबल से थोड़ा कम 1.5 हो गया, ओके। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, कंट्रोल ग्रेटर देन से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को दो दो पॉइंट से बढ़ा सकते हो। कैसे, देखो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसका साइज मैं बढ़ाऊं, तो देखो कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, अभी देखो ध्यान से ग्रेटर देन जो है ना यहां पे है, ग्रेटर देन आप प्रेस करो कीबोर्ड से, आप जैसे ही ग्रेटर देन प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, तो आप पाओगे कि देखो ये जो मैटर है ना ये बढ़ता जा रहा है। अब देखो ग्रेटर देन के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, चूंकि ग्रेटर देन जो सिंबल होता है ना वो कहाँ पे है, इक्वल, वो आपका जो है ग्रेटर देन डॉट फुल स्टॉप वाले बटन पे है, देखो यहाँ पे है, तो आप फुल स्टॉप चुकी है, तो आपको शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा, चूंकि किसी भी बटन के में, बटन में अगर दो सिंबल हो, ऊपर वाले सिंबल के लिए आपको शिफ्ट यूज करना पड़ता है। देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, देखो दो दो साइज से ये फॉन्ट साइज बढ़ता जा रहा है, ओके। इसी ढंग से अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ लेस देन, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को दो दो पॉइंट से बढ़ाने के जगह पे घटाता है। देखो कैसे, अभी मैंने बढ़ा के दिखाया, चलो मैं कंट्रोल शिफ्ट और यहां देखो लेस देन है, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखो घट रहा है दो दो पॉइंट से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ेगा, एक्चुअली वो कंट्रोल ग्रेटर देन है, शिफ्ट तो इसलिए प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो वैसे बटन पे है जहां पे ग्रेटर देन ऊपर है, नीचे में डॉट है, इसलिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ जाएगा। सिमिलरली शिफ्ट आपको इसके साथ भी प्रेस करना होगा, लेकिन शॉर्टकट आपका कंट्रोल ग्रेटर देन होगा ना कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और सिमिलरली शॉर्टकट आपका कंट्रोल लेस देन होगा ना कि कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखो अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ अगर आप क्लोज ब्रैकेट, बड़ा वाला क्लोज ब्रैकेट अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है ना वो एक पॉइंट से बढ़ेगा। कैसे भाई, देखो इसी का हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, चलो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अभी कंट्रोल के साथ देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको आपको क्लिक करना है, देखो एक एक फॉन्ट साइज बढ़ते जा रहा है। सिमिलरली अगला है शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ओपन के जो ओपन वाला बड़ा ब्रैकेट है ना, तो देखो कंट्रोल के साथ ये ओपन वाला बड़ा ब्रैकेट अगर आप यूज करते हो तो इससे फॉन्ट साइज एक एक घटेगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लोज वाला जो बड़ा ब्रैकेट है उससे एक एक फॉन्ट साइज बढ़ेगा, जबकि ओपन ब्रैकेट से एक एक फॉन्ट साइज सिलेक्टेड टेक्स्ट का बढ़ेगा, घटेगा, ओके। अभी अगला शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, देखो अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल इक्वल से सब स्क्रिप्ट होता है, ये सब स्क्रिप्ट क्या है, देखो सपोज मैं लिखना चाहता हूं H2O, मैंने कीबोर्ड से जैसे ही H2O लिखा, देखो 2 जो है ना वो कहां पे है, बिल्कुल H और O के साथ में है, लेकिन इस 2 को नीचे होना चाहिए जहां तक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखने का सवाल है, तो आपको यहां पे सब स्क्रिप्ट यूज करना होगा जिसके लिए कंट्रोल के साथ इक्वल है शॉर्टकट, तो जिसको नीचे करना है, जिसके ऊपर सब स्क्रिप्ट अप्लाई करना है, आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहां पे H2O के केस में 2 को नीचे करना है। अभी कंट्रोल के साथ इक्वल आपको प्रेस करना है, लेकिन अगेन इक्वल के साथ परेशानी क्या है कि ये उस बटन पे है जहां पे प्लस भी है, लेकिन देखो इक्वल तो नीचे है, कोई बात नहीं कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करो, चूंकि ये इक्वल नीचे था, शिफ्ट का यूज मैंने नहीं किया, करना भी नहीं है,
लेकिन देखो अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस, जो सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या है, जैसे मुझे ए स्क्वायर लिखना है, ओके ए स्क्वायर, तो टू को ऊपर जाना चाहिए, चलो टू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी कंट्रोल के साथ प्लस यूज करना होगा, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ प्लस होता है। लेकिन परेशानी यह है कि प्लस उस बटन में है जिसके नीचे इक्वल है, तो शिफ्ट का यूज करना होगा, तो चलो शिफ्ट भी प्रेस कर लिया मैंने कीबोर्ड से और अब यहां से प्लस यूज किया, तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया। लेकिन शॉर्टकट यहां पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर आप प्लस की बात करो तो कंट्रोल के साथ प्लस यूज करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सुपर स्क्रिप्ट है, कुछ लोग बता देते हैं कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस, भाई प्लस तो शिफ्ट के साथ होगा ही, शिफ्ट के साथ आप इक्वल बोलो तो चलेगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए, इससे कोई भी मैटर जो है ना आप सारे मैटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर से उसको वापस ला सकते हो। देखो कैसे, यहां पे मैं इक्वल्स आर ए एन डी रैंड फंक्शन का यूज करता हूं, चलो ये मेरा पूरा मैटर आ गया, देखो ये सारा मैटर, देखो यहां वी कैपिटल है बाकी तो स्मॉल है। मैं क्या करता हूं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर लेता हूं, सारा मैटर सेलेक्ट हो गया, इसलिए मैंने सारा मैटर सेलेक्ट किया कि सारे को कैपिटल करना है। चलो अगर आपको नहीं करना सारे को कैपिटल, आप चाहते हो कि कुछ चुनिंदा मैटर ही जो है वो ऑल कैप्स हो, चलो ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको ए प्रेस करना है, देखो ऑल कैपिटल्स हो गया, साफ साफ दिख रहा होगा सारा मैटर आपका कैपिटल हो गया। इसमें से आप चाहते हो कि इतना मैटर जो है ना वो कैपिटल ना रहे, तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट और ए कर दो, देखो ये वापस से जैसा था वैसा हो गया। तो कंट्रोल शिफ्ट ए से आप ऑल कैप्स को एनेबल भी कर सकते हो, मतलब जगा भी सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो, डाइजेबल भी कर सकते हो, मतलब सुला भी सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल F4, जिससे एक्टिव डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ये कंट्रोल W की तरह। देखो कंट्रोल के साथ आपको F4 बटन यूज करना है, जो कि आपका फंक्शनल बटन है, तो यहां से देखो F4, अभी ये देखो क्लोज हो रहा है, पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं, डोंट सेव। चलो कंट्रोल के साथ N से मैं वापस एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं। ठीक है, अभी आपके सामने जो अगला शॉर्टकट है वो है F12। देखो कोई एक फाइल आप पहले से खोल के रखो, मैं ऐसा करता हूं कंट्रोल के साथ O यूज करके ओपन का डायलॉग बॉक्स में ले आता हूं, यहां से चलो एक फाइल मैंने ओपन कर लिया। अब आप चाहते हो कि इस फाइल को का एक और कॉपी बने, देखो इसके लिए सेव एज यूज करना होगा, क्योंकि कंट्रोल के साथ S से अब तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, कंट्रोल S से सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, लेकिन कब, जब आपका फाइल अनसेव्ड हो, सेव नहीं हो। चूंकि ये फाइल सेव है ABC नाम से, इसीलिए अब ये दोबारा से डायलॉग बॉक्स नहीं लाएगा। अभी आपको करना क्या है, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है, जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे देखो आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप चाहते हो इसकी एक कॉपी मैं XYZ नाम से बना लूं, कहां पे भाई, तो डेस्कटॉप पे, ओके सेव कर लो, तो देखो ये XYZ आपका सामने आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि सेव एज का इस्तेमाल आप एक्टिव डॉक्यूमेंट के कॉपी को बनाने के लिए कर सकते हो, उसको एक किसी और नाम से सेव करने के लिए कर सकते हो। देखो F5, कंट्रोल F से मैंने बताया था फाइंड, आप चाहो तो कीबोर्ड से F5 बटन भी प्रेस करके फाइंड का डायलॉग बॉक्स ला सकते हो। ये देखो फाइंड का डायलॉग बॉक्स है, रिप्लेस का है, गो टू का है, ओके ये काम मैंने ऑलरेडी चुकी बता दिया है, तो वहां से आप लोग देख लेना। अभी अगला शॉर्टकट आपके पास है, अब यहां पे शॉर्टकट कंट्रोल वाला ये सब खत्म हो गया, ओके F5 लास्ट था, लेकिन देखो अभी आपके सामने ये देखो सारा टैब है, यहां होम टैब है, यहां इंसर्ट है, ड्रॉ है, तो इन सारे टैब्स का भी शॉर्टकट होता है, आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करोगे तो देखो अल्ट प्रेस करते देखो हर एक टैब के नीचे जो है ना ये एक शॉर्टकट आ रहा है। अभी जैसे आपको जाना है डिजाइन में या लेआउट में, चलो डिजाइन में, तो डिजाइन के नीचे क्या है, जी है, तो यहां से आप जी प्रेस करो, देखो आप सीधा डिजाइन में आ गए, ओके। अभी देखो अल्ट मैंने प्रेस करके रखा है, तो यहां पे देखो पेज कलर आ रहा है PC, चलो यहां से PC, ये देखो पेज कलर आ गया, यहां से आप कोई भी कलर चुन लो, देखो वैसा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप चाहो अगर तो ये अल्ट
की का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर टैब को ओपन कर सकते हो, उसके अंदर अवेलेबल किसी भी ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो अभी मैं डिजाइन टैब पे हूँ, चलो अल्ट मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, और यहाँ अल्ट प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप हल्का सा रिलीज करोगे ना अल्ट प्रेस करने के बाद, देखो होम आ जाएगा, एच है, एच आप प्रेस करो कीबोर्ड से, चलो यहाँ से मैं एच प्रेस करता हूँ, अभी आप देखो होम पे हो, ओके। अभी आप देखो बी बोल्ड के लिए वन है, सपोज मुझे इसे बोल्ड करना है, चलो मैं इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट है, अभी अल्ट के साथ एच तो है, ओके चलो अल्ट के साथ मैंने एच किया, होम पे मैं आ गया हूँ, अभी देखो वन फॉर बोल्ड है, चलो मैं यहाँ से वन प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं वन प्रेस करूंगा देखो ये डॉक्यूमेंट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड में बहुत आसानी से शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो से आप लोगों को सीखने का मौका मिला हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।